नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 20 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ प्राथमिक स्तर का सीटेट के पेपर का सोल्यूशन आपके बीच हाजिर है और इस क्रम में हम जो है पर्यावरण अध्ययन का आपको सोल्यूशन देंगे। इससे पहले हमने कई पार्टों का सोल्यूशन आपको दे दिया है, आप चैनल पर विजिट करके सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सुपरफास्ट सोल्यूशन के साथ और सटीक आंसर के साथ हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो बुकलेट सीरीज बी का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है और इसके अनुसार मेरा जो 61वां क्वेश्चन है वो ये है। तो आप सभी अपनी बुकलेट के अनुसार क्वेश्चन के साथ मैच करें और इसके जो आंसर हैं वो भी ऊपर नीचे दिए गए हैं, तो सभी लोग जो हैं ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखें। तो 61 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 24 gm घनत्व वाले 6 mL आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। सही आंसर होगा 144, पहला ही ऑप्शन सही आंसर के रूप में होगा। सभी दोस्त जो हैं वीडियो को लाइक कर दें और यहां पर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो 62वां क्वेश्चन से पर्यावरण अध्ययन के अनुसार। इसमें कथन दिया गया है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और इसका कारण दिया गया है, हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर अणुक स्थान कम हो जाते हैं और वह आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं और ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, चौथा ऑप्शन सही आंसर के रूप में होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, तो ए और बी पर विचार कीजिए। ए दिया गया है, मनाली में ढालू छतों पर मजबूत बांसों के खंभे बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, मनाली में ऐसा नहीं होता है। मनाली में बारिश बहुत तेज़ होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, ये बात सही है। तो ए गलत है और बी सही है, तीसरा ऑप्शन सही आंसर के रूप में होगा। 64वें क्वेश्चन में स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए, जीरा केसर मिर्च और लौंग, और उसमें स्थान दिए गए हैं। तो इसके अनुसार जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, ओडिशा इसके लिए सही आंसर के रूप में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जंगलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, बिल्कुल सही बात है, और डी ऑप्शन से दिया गया है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो ए और डी सही हैं, बाकी बी और सी गलत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पौधों के निम्न मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो कार्य दिए गए हैं उसके अनुसार भोजन का उत्पादन और भंडारण, ये आपका ऑप्शन जो है गलत होगा ए। बी ऑप्शन में पौधों को शक्ति और सहारा देना बिल्कुल सही है। सी पौधों के अन्य भागों को जड़ से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो बी और सी दोनों ही सही हैं और इसके लिए ऑप्शन होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कांसे का निर्माण। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत परीक्षाओं में आसानी से पूछा जाता है, टीन और कॉपर इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। इसके मिलाने से जो है आपका कांसे का निर्माण होता है। हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। तो हाथियों का जो कथन सही है, 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन जो है लगभग 100 किलोग्राम होता है, बिल्कुल गलत है, 200 किलोग्राम के आसपास होता है। दूसरा है, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम अधिक पत्तियों झाड़ियों को खा सकता है, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ पर हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं, ये बात सही है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। तो सी और डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ए ऑप्शन से इसके लिए आंसर सही होगा। बिहार राज्य के लोगों को निम्न में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या है, अक्टूबर से दिसंबर, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट के में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो वो होती है आपकी मांसपेशीय ऊर्जा, बी सेकंड ऑप्शन मांसपेशीय ऊर्जा। कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो ये होता है आपका बोरा चावल, सी ऑप्शन। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। सांपों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन को चिन्हित कीजिए।
तो यहाँ पर जो है सांप जो है अपने शिकार को निगल जाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि चबाकर खाते हैं। तो ये ही आपका गलत होगा और ये ही आपका आंसर होगा, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर होगा, बाकी तीनों चीज़ें सही हैं। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रम से स्थितियाँ क्या हैं? दूसरा ऑप्शन सही होगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्न से कौन सी उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? परिवार और घुमंतु परिवार, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है, उनके द्वारा कहानियाँ और कविताओं के प्रयोग को सबसे उपयुक्त तर्क कौन सा होगा? तर्क बी, सी और डी तीनों ही उपयुक्त होंगे, ए आपका उपयुक्त नहीं होगा। कौन सा विकल्प कक्षा एक से पाँच तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? तो पहला ही आंसर हो जाएगा, शिक्षा जो कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। 79 क्वेश्चन है और सभी लोग जो हैं वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको जो है दूसरे पेपर का भी सोल्यूशन सबसे पहले दिया जाएगा और इससे पहले के सभी पार्टों का सोल्यूशन आपको दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है ईवीएस सिखाने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, चौथा ऑप्शन सही आंसर के रूप में होगा। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक में मिलाने पर तैरता है, तो विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है? तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कक्षा तीन के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्न में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? नहीं है दिया गया है, तो चौथा ही ऑप्शन आपका सही आंसर के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन से, आपको कक्षा तीन से पाँच तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है, इसके उद्देश्य को निम्न में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो सही आंसर होगा पहला, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, लिंग, जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार की रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न कथनों को पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। कथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषय के बजाय थीम है। कारण है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस शिक्षकों को विद्यार्थी के लिए आसान बनाता है, तो ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक ईवीएस शिक्षिका शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, निम्न में से आप किसे चुनोगे? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, फ़ोन कॉल, ये पहला ही ऑप्शन सही आंसर के रूप में होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के रूप में उपयोग को दर्शाती है तो निम्न में से कौन सा पूरा करेगा? थीम भोजन और कृषि फार्म, कृषि फार्म इसके लिए सही आंसर होगा। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान जो प्रश्न विद्यार्थियों को अपने विद्यार्थियों को उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा तो खोजपूर्ण प्रश्न इसके लिए सही आंसर होगा, खोजपूर्ण प्रश्न। अगला क्वेश्चन से, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? सही आंसर होगा दूसरा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है, ए और सी आंसर आपका सही आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन से दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए हम जो है अगली वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तो
तो आप सभी लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, ईवीएस क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण है, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ा देती है। सही आंसर होगा चौथा, ए और आर दोनों सही व्याख्या है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।